हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो बेसिकली ये कोई एक व्लॉग नहीं है, ये एक कुकिंग स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ बनाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने नूडल्स बनाए थे, तो वो वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आप लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल DM भी किया कि गो अहेड एंड मेक सम मोर डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं नूडल से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ चाउमीन पर। हाँ नचिया, तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ चाउमीन। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक। आई डू जस्ट बिकॉज ऑफ आई लव टू डू, और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज मैं चाउमीन बनाने वाला हूँ। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो इसकी रेसिपी मेरी खुद की है, मैंने इसे अपने स्टाइल में बनाया है। आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। तो वीडियो को करते हैं शुरू, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, चाउमीन बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सब कुछ ले लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है, ग्रीन बीन्स लिया है, कैप्सिकम है, बीट रूट है, कैरेट है, कुछ ग्रीन चिल्लीज है और कुछ अनियंस मैंने लिए हैं। तो इन्हें अभी मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइज, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और मैंने कुछ गार्लिक्स भी चॉप कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो। और आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर चाहो तो इसे ऐड नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं फटाफट से चाउमीन। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो गैस पे रख दी है और अब मैं फ्लेम को लो करके यहाँ पे जो मैंने कट किया था मिर्च और लहसुन जो मैंने काटा था वो मैं पहले यहाँ पे डालने वाला हूँ। इसे मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगा, उसके बाद मैं बाकी के चीज़ जो है इसमें ऐड करूँगा। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राई हो चुका है लगभग, जो मैंने यहाँ पे मिर्च और लहसुन डाला था वो लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे प्याज डालने वाला हूँ और प्याज डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगा, इसे थोड़ी देर तल लूँगा, उसके बाद मैं बाकी के वेजिटेबल्स इसमें डालूँगा। तो अभी जो है प्याज भी लगभग लगभग भुन चुका है। आप इसे ज़्यादा ना भुनें, हल्का सा बस इसे आप फ्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं अब इसमें डालने वाला हूँ अपने सारे वेजिटेबल्स जो भी मैंने काटे थे, तो एक एक करके मैं पहले उन्हें डाल लेता हूँ यहाँ पे। सारे वेजिटेबल्स को डाल लेने के बाद मैं इन्हें अच्छे से कर लेता हूँ टॉस, और इन्हें अच्छे से आप पहले फ्राई कर लें। आप चाहो तो इसे ढककर भी फ्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे सिंपली तेल में भी फ्राई कर सकते हो। तो मैं इन्हें अभी फ्राई कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, इन्हें फ्राई कर लेने के बाद आप इसमें शिमला मिर्च डालें, आप पहले से शिमला मिर्च ना डालें। शिमला मिर्च डालने के बाद आप इसमें नमक भी ऐड कर दें। नमक आपको याद रहे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आप जब इसमें सॉस डालोगे तो सॉस में भी ऑलरेडी नमक होता ही है, तो आप नमक थोड़ा सा कम डालें, आधा डालें, और आधा आपको चाउमीन के ऊपर से डालना है, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो अभी। तो नमक डाल लें, सब कुछ डाल लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम इसमें डालेंगे सॉस, तो पहले हम इसमें डाल लेते हैं सोया सॉस, देन इसमें ऐड कर लें आप टोमेटो सॉस एंड चिल्ली सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
इसे मिक्स कर लेने के बाद गाइस आप इसमें अपने चाउमीन को ऐड कर दें और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लें। तो गाइज इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें जो है बाकी का नमक ऐड कर दें, क्योंकि हमने पहले कम नमक डाला था तो अब हम इसमें थोड़ा सा और नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज अब तैयार है आपका चाउमीन पूरी तरीके से, तो अब आप इसे अपने प्लेट में सर्व कर लें। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे इस तरह के और भी वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और आप लोगों को रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करता हूं। आप चाहो तो मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हो, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दिस इज दिस कमाकर साइनिंग ऑफ। बी सेफ, बी यंग।